नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। देश में बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में आए दिन शानदार स्टार्टअप और आइडियाज सामने आ रहे हैं। शो में कुछ स्टार्टअप ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर खुद शार्क टैंक इंडिया के जज भी चौंक जा रहे हैं। अगले एपिसोड के लिए जारी ट्रेलर में 3 लोगों की टीम ने शो में ड्रोन कंपनी के लिए आइडियाज बता रहे हैं। इनमें से 2 लड़के और 1 लड़की का ग्रुप है। हालांकि दोनों लड़के अभी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके ही निकले हैं, जबकि लड़की अभी कॉलेज में अपना 4th साल में है। 2 लड़के और 1 लड़की ने शार्क टैंक के जजों से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए 4% इक्विटी के बदले 75 लाख रुपए की मांग रखी है। शॉक ने जब कंपनी की वित्तीय हालत के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि पिछले महीने 85 लाख रुपए की कमाई हुई है, जिसे सुनकर शॉक को भरोसा नहीं हुआ। साथ ही उन्हें उम्मीद है कि इस साल वे 4 करोड़ रुपए के टारगेट तक पहुंच सकते हैं। शॉक ने इस टीम की काफी सराहना की है। अभी तक शॉक टैंक में देखा गया है कि व्यापारी या छोटे उद्यमी रेवेन्यू जनरेशन की तुलना में अधिक फंडिंग की मांग करते हैं। इसमें इक्विटी भी बहुत कम ऑफर करते हैं। अब इन लोगों को 85 लाख रुपए की कमाई पर 75 लाख रुपए की फंडिंग मांगना शॉकर्स को पसंद आया है। अब देखना होगा कि शॉक्स और इन उद्यमियों के बीच डील फाइनल होती है या नहीं, इसकी जानकारी आज के एपिसोड में पता चलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।